यर स्टूडेंट्स इन अवर प्रिवियस क्लास वी डिट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन किंग थ्रश बियर टूडे वी आर रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन हु सिटी इज दिस आज द प्रिंस इट इज किंग थ्रश बीयर इट माइट हैव इन योर सैट द बैगर अब प्रिंसेस ने पूछा कि हु सिटी इज दिस ये सिटी किसकी है प्रिंसेस ने पूछा तो बैगर ने क्या जवाब दिया इट इज किंग थ्रश बियर्ड्स ये किंग थ्रश बियर्ड्स की है इट माइट हैव बीन है ये तुम्हारी हो सकती थी विच सिटी इज बींग रेफर्ड टू हेयर यहाँ पर कौन सी सिटी की बात हो रही है द सिटी ऑफ किंग थ्रश बियर्ड्स ठीक है किंग थ्रश बियर्ड की सिटी की बात हो रही है हाउ कुड हैव द सिटी बीन द प्रिंसेस सिटी ये सिटी प्रिंसेस की सिटी कैसे बन सकती थी उसने बोला ना कि इट माइट हैव बीन योर्स है तुम्हारी हो सकती थी तो कैसे हो सकती थी प्रिंसेस की इट कुड हैव बीन द प्रिंसेस सिटी ये प्रिंसेस की सिटी हो सकती थी इफ शी वुड मैरी विद थ्रश बियर्ड अगर वो थ्रश बियर्ड के साथ शादी कर लेती ये जो विद है ये ऊपर लिखा है मैंने इट कुड हैव वुड द प्रिंसेस सिटी कि ये प्रिंसेस की सिटी तभी हो सकती थी इफ शी वुड मैरी थ्रश बियर्ड अगर वो राजा थ्रश बियर्ड से शादी कर लेती हु इज द बैगर बैगर कौन है द बैगर इज एक्चुअली किंग थ्रशबियर्ड बैगर जो है वो वास्तव में किंग थ्रशबियर्ड ही है पीछे छुप कर प्रिंसेस ने वो पार्टी देखी और वो अपनी बुरी स्थिति पर रोई की देखो कहीं मैं भी कभी राजकुमारी थी और आज कहा मैं दूसरों के घरों में काम करती घूम रही हूँ है ना हाइंड दर्टिन जो प्रिंसेस है वो करटिन के पीछे क्यों छुप गई हिड बिहाइंड करो देट नो बडी गुड सी हर ताकि कोई भी उसे देख ना सके वट वॉज शी वॉचिंग वो क्या देख रही थी पर्दे के पीछे छुप के वो क्या देख रही थी शी वॉज वॉचिंग दर्थडे पार्टी ऑफ द ठीक है वो जो सबसे एल्डेस्ट कौन सा होता है जो सबसे बड़ा होता है ठीक है यंगेस्ट सबसे छोटा एल्डेस्ट सबसे बड़ा तो वो सबसे बड़े जो राजकुमार है उसकी बर्थडे पार्टी देख रही थी Who वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सैड स्टेट उसकी बुरी स्थिति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था द प्रिंसेस हर सेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सैड स्टेट और प्रिंसेस खुद ही अपनी उस बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार थी रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है जिम्मेदार कि खुद की अपनी स्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे क्योंकि अगर वो इस तरीके से घमंडी ना होती लोगों का मजाक ना उड़ाती तो उसके पापा उसकी शादी एक बहुत बड़े राज घराने में ही करते लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा घमंडी थी रूढ़ थी ठीक है और उसे बिहेवियर उसका अच्छा नहीं था तो इसलिए राजा ने उसकी शादी एक भिखारी के साथ कर दी थी तो वो खुद अपनी ही लिए रिस्पॉन्सिबल थी कि आज वो ऐसे सिचुएशन में थी उसके बाद फ्रॉम द एट बॉक्स बिलो फाइंड द वर्ड्स दैट हैव हैीनिंग सिमिलर टू द दंस रिटन इन कॉलम वन राइट द वर्ड करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन कॉलम सेकेंड अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए एड बॉक्स में आपको हॉटी हॉटी क्या होता है जिद्दी घमंडी जो भी है टॉर्न टॉर्न क्या होता है जो वटा हुआ होता है रेज टूटा फूटा स्क्रीम चीख चीखने की जैसे चीखते हैं हम डर्टी गंदा हैंडसम सुंदर अब आपने इनमें कॉलम में सिनोनिम्स लिखने हैं प्राउड प्राउड मीन्स हॉटी एच ए यू जी एच टी वाई हॉटी शाउट का मतलब चिल्लाना होता है और स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाना होता है एस सी आर ई एम Miserable, जो दैनीय स्थिति में होता है टूटा फूटा होता है रेस्ड भी टूटा फूटा ही होता है डब्ल्यू आर ई टी सी एच ई डी रेस्ट यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है Shabby गंदा डर्टी गंदा गुड लुकिंग बहुत सुंदर दिखने वाला हैंडसम Ragged फटा पुराना टर्न फटा पुराना ओके okay? सो दीज आर दिनोनिम्स टू इच अदर एंड नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्फ्स हमें ट्रू फॉल्फ दिखने हैं इन स्टेटमेंट्स के लिए the king held a banquet to find a suitable boy for his daughter, राजा ने अपनी बेटी की के लिए एक उचित लड़का ढूंढने के लिए महाभोज रखा yes रखा था तो इट इज ट्रू द प्रिंसेस वॉज हैप्पी टू गो विद हर हैजबेंड प्रिंसेस अपने हस्बैंड के साथ जाके खुश थी फॉल्स बिल्कुल नहीं थी द प्रिंसेस वॉज अपॉइंटेड एज किचन हेड प्रिंसेस को किचन हेड अपॉइंट किया गया था नो किचन मेड अपॉइंट किया गया था शी टुक लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल फॉर हर सेल्फ वो अपने आप के लिए लेफ़्ट ओवर फोर्ड जो है बचा हुआ खाना लेके जाती थी यस ट्रू किंग थ्रश बियर्ड वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, किंग थ्रश बियर्ड सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी था पार्टी में यस ट्रू द प्रिंस रिफ्यूज टू डांस विद द किंग प्रिंसेस ने राजा के साथ डांस करने से मना कर दिया नो no. उसके साथ नाची तभी तो वो बर्तन गिरे थे उसके बैगर वॉज एक्चुअली है बेटा जब हम भेष बदलते हैं, हैं कुछ और ही बन जाते ना? Yes. जो है वो वास्तव में किंग थ्रश बियर्ड ही था तो ये ट्रू है द प्रिंसेस रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड आस्ट फॉर फॉरगिवनेस प्रिंसेस ने प्रिंसेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी ट्रू यस लास्ट में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने राजा से माफ़ी मांगी थी तो आज के लिए बेटा इतना ही आपको ये दोनों लेसन दोनों पेजेस आपको कंप्लीट करने हैं और लिखने हैं ठीक है लर्न भी करने हैं चलेन बाय बाय